Students, how are you? I hope that all you are fine and healthy. Dear parents, you are requested to watch this video along with your children and help them to do their homework. Thank you. Students, open your English book at page number 21 and lesson number 7. Our today's lesson number 7 is Rules of the Road. Kya meaning hota hai Rules of the Road ka? Sadak ke niyam. Rules means hota hai niyam. आज के हमारे इस लेसन में ये बताया गया है कि यातायात से संबंधित हर देश में कोई ना कोई नियम या कानून ज़रूर होते हैं। हमारे देश में भी यातायात से संबंधित कुछ नियम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अब इन नियमों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, इसलिए हम सभी को इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पर शाहिद और फादर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। तो शाहिद जो हैं वो अपने पापा से बता रहे हैं, डू यू नो फादर डेट सतीश आवर नेवर्स 5-year-old सन वाज वेरी बैडली हर्ट यस्टरडे। वो अपने पापा से कहते हैं कि आपको पता है कि सतीश हमारे पड़ोसी का जो 5 साल का बेटा है वो बहुत बुरी तरह से उसको चोट लगी है कल को। फादर कहते हैं नो आई डिड नॉट नो, नहीं मैं नहीं जानता। हाउ वाज ही हर्ट, उसको चोट कैसे लगी। फिर शाहिद उनको बताते हैं, शाहिद ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड व्हेन ऑल ऑफ ए सडन अ कार ड्रिवन एट फुल स्पीड केम अप। कि वो जो है वो कौन सतीश रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी जो है अचानक से एक तेज़ स्पीड से चलती हुई कार वहाँ पर आई। फॉर्चुनेटली द ड्राइवर सा सतीश एंड मैनेज टू पुल अप जस्ट इन टाइम। लेकिन किस्मत से क्या हुआ कि ड्राइवर ने सतीश को देख लिया और उसने अपनी कार को टाइम पर रोकने में कामयाब रहा। बट ही वाज फ्राइटेंड, लेकिन वह डर गया था। हिज फुट स्लिप्ड एंड ही वाज बैडली इंजर्ड, उसका पैर जो है स्लिप हो गया था और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली रीड द होल लेसन योर सेल्फ। मैं आपको इसके हिंदी में ट्रांसलेट बता देती हूँ। अब यहाँ पूरे लेसन में फादर और शाहिद की ही बातचीत चलेगी। फादर कह रहे हैं कि ऐसे जो एक्सीडेंट हैं वो बड़े बड़े शहरों में आमतौर पर होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग जो है वो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, और छोटे बच्चों को सावधान रहना चाहिए जब वो रोड क्रॉस कर रहे हूँ, क्योंकि मोटर कार से बसेस हैं वो तेज़ी से कॉर्नर पर से आ रही होती हैं, इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर शायद कहते हैं कि पापा इसके रोड के यानी सड़क के नियम क्या हैं मुझे बताइए। फादर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो है कीप टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलो या रहो, और बीच में रोड के नहीं चलो। क्या रोड के बीच में चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि चलने के लिए सेफ़ प्लेस यानी सुरक्षित जगह नहीं है, अगर हम रोड के बीच में चलेंगे तो वो सेफ़ नहीं है। अगर कहीं पर फुटपाथ नहीं है फिर क्या करना चाहिए हमें? रोड का जो किनारे है किनारे किनारे हमें चलना चाहिए। शायद पूछते हैं कि क्या रूल्स हैं जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हों, यानी रोड क्रॉस करने के लिए कौन से रूल्स हैं फादर, वो मुझे बताइए। फिर फादर बताते हैं कि जब कभी रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें दोनों साइड देखना चाहिए, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ देखना चाहिए, अप एंड डाउन ऊपर नीचे भी देखना चाहिए। हमें नीचे भी देखकर चलना चाहिए कि रास्ते में कोई चीज़ पड़ी ना हो और कभी हम उससे अटक कर गिर जाएँ, और अपनी जो है आँखों को और कानों को हर टाइम खुला रखना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, रुको देखो और सुनो, और जब तक रोड क्लियर ना हो जाए तब तक इंतज़ार करना चाहिए, और हमें राइट तरफ देखना चाहिए जब हम हाफ रोड क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी कार्स और गाड़ियां जितनी भी हैं जो लेफ्ट में होती हैं, बहुत सारी जो गाड़ियां हैं हाफ ऑफ द रोड जब होती हैं
तो वो राइट साइड से आती हैं। फिर लेफ्ट साइड देखना चाहिए जब हम हाफ जो रोड को क्रॉस कर चुके हैं सेकंड टाइम। अब इस टाइम हम पाएंगे कि कार और जो गाड़ियां हैं वो लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट साइड से आ रही हैं, और बहुत सारे जो बिजी कॉर्नर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक चलता है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी लगी होती हैं। और उन ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब होता है, तीन तरह की होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं, ग्रीन होती है, रेड होती है और ऑरेंज होती है। तो उनका क्या मतलब होता है वो यहाँ पर बताया गया है। ये कह रहा है कि जब लाइट ग्रीन हो तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अब जाना जो है वो सुरक्षित है यानी आप जा सकते हैं। और जब वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती है लाइट तो उसका मतलब होता है कि आपको रुकना है यानी ठहरना है। और जब वो रेड कलर में चेंज हो जाती है यानी रेड कलर हो जाता है लाइट का तो उसका मतलब होता है कि अब जाना आपके लिए सेफ नहीं है यानी बिल्कुल मत जाइए। शायद कह रहे हैं व्हाट आर द रूल्स फॉर दोज वो राइड बाइसिकल्स फादर, कि जो साइकिल चलाते हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। फादर बताते हैं उनके लिए जो जनरल रूल है वो है कि लेफ्ट रहिए रोड पर, लेफ्ट रहिए या लेफ्ट चलिए, और उनको जो है फुटपाथ के पास रहना चाहिए, और जो बीच का रोड है वो कार और गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। जब कभी दूसरी जो बाइसिकल है, कार है या गाड़ी है वो गुजरे तो उन्हें उसके राइट साइड रहना चाहिए, और जब वो राइट साइड मुड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें अपना जो राइट हैंड है वो दिखा देना चाहिए वार्न करने के लिए यानी बताने के लिए उन लोगों को जो उनके पीछे आ रहे हैं, यानी अगर उन्हें मुड़ना है तो हाथ दिखा दें ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाए, और जिस तरफ वो मुड़ना चाहते हैं वहाँ पर दोबारा वे कभी उनको जो है फेल नहीं होना चाहिए। साइकिल की जो बेल होती है उसको यानी बजाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए, और वो भीड़ में से जब गुजरें तो वो उनको रास्ता दे दें, यानी जब भीड़ वाली जगह पर से गुजरें तो साइकिल की जो रिंग होती है उसको बजा देना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए कि अपना जो लैंप है यानी जो भी लाइट वगैरह बाइसिकल में लगी होती है अगर अंधेरा हो जाए या अंधेरा होने से पहले उसको उन्हें जला लेनी चाहिए। शायद पूछते हैं कि कार और गाड़ियों के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए क्या रूल हैं। फिर फादर उनको बताते हैं कि उनके लिए भी रूल है कि उन्हें भी लेफ्ट यानी उल्टी तरफ रहना चाहिए। अगर वो उल्टी तरफ रहेंगे तो जो कार हैं जो रोड पर से अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टी दिशा में आ रही होती हैं वो कभी एक दूसरे की लाइन में या एक दूसरे से नहीं टकराएंगी और एक दूसरे की लाइन में नहीं आएंगी, यानी अपनी अपनी लाइन होती है, एक लाइन होती है जाने की एक आने की, तो कभी भी वो एक दूसरे की लाइन में नहीं चलेंगी। और अगर उनकी विश है, अगर उनकी इच्छा है कि वो राइट यानी सीधी तरफ मुड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपना जो राइट हैंड है वो दिखा देना चाहिए उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जिसमें वो मुड़ना चाहते हैं, ताकि जो लोग उनके पीछे आ रहे हैं उन्हें एक साइन मिल सके यानी उनको पता चल सके कि आगे जाने वाला जो आदमी है वो किस तरफ मुड़ना चाहता है। लास्ट में शायद कहते हैं कि फादर थैंक यू वेरी मच, यानी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रूल्स ऑफ द रोड के बारे में यानी सड़क के जो जितने भी नियम हैं उसके बारे में आपने मुझे बताया। स्टूडेंट्स अंडरलाइन द 10 डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन एंड गेट दिस वर्ड डिक्टेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर एंड चेक देम टू। स्टूडेंट्स ये आपके लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज सतीश हर्ट, सतीश को चोट कैसे लगी थी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई डू एक्सीडेंट्स कॉमनली ऑकर इन बिग सिटीज, कि बड़े शहरों में आमतौर पर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई शुड वी डू व्हाइल वी आर क्रॉसिंग द रोड, हमें क्या करना चाहिए जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों, ये इसका आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट आर द रूल्स फॉर दोज हु राइड बाइसिकल्स, बाइसिकल चलाने वालों के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो बताने हैं यहाँ पर, ये इसका आंसर है लास्ट। स्टूडेंट्स अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कॉपी के अंदर करने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके लेसन नंबर 7 के वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है उसका मीनिंग हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको इसको करना भी है कॉपी के अंदर और लर्न भी करना है। फर्स्ट वर्ड देखते हैं हर्ट, हर्ट मीन्स होता है इसका मीनिंग हिंदी में चोट, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इंजर। फॉर्चुनेटली हिंदी में मीनिंग है इसका किस्मत से, लकीली इंग्लिश में। फ्रैटेंड डरा हुआ, स्केयर। कॉमन मामूली या साधारण, ऑर्डिनरी। मिडिल माने होता है बीच में, सेंट्रल। कैरिज कहते हैं गाड़ी या वाहन, व्हीकल। राइड सवारी, ड्राइव। केयरफुल सावधान, अलर्ट। हॉल्ट रुकना, स्टॉप। रूल्स नियम, लॉ। नेबर पड़ोसी, नेक्स्ट डोर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू डू ऑन द रोड, रोड पर आप क्या करोगे या आपको क्या करना चाहिए। राइट यस और नो इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपको रोड पर करनी है बातें या क्या क्या करना चाहिए उसके लिए हम यस लिखेंगे, और जो काम आपको नहीं करने हैं रोड पर उसके लिए आपको नो लिखना है। लेट्स सी फर्स्ट, प्ले फुटबॉल, क्या सड़क पर फुटबॉल खेलनी चाहिए, नहीं इसके लिए हम लिखेंगे नो। सेकेंड कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड, सड़क का जो किनारा है उसके पास या उसके नज़दीक रहना चाहिए, अभी हमने लेसन में पढ़ा ये सब, यस इसके लिए हाँ लिखेंगे। थर्ड है वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में चलिए, क्या रोड के बीच में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए तो इसके लिए लिखेंगे हम नो। एंड लास्ट फोर्थ इज ऑलवेज रिंग योर बाइसिकल बेल व्हेन पासिंग थ्रू ए क्राउड, अभी हमने लेसन में पढ़ा है ये कि जब कभी भीड़ से हम गुजरें तो हमें हमेशा जो साइकिल की रिंग है उसको बजाना चाहिए, तो इसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक के अंदर ही फिल करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन आंसर और जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं वो, और डिफ़िकल्ट वर्ड वो सारे आपको कॉपी में करने हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है लर्न दीज, ये आपको लर्न करना है खाली, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ये वर्ब की आपकी फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म दी है आपको वर्ब की और पास्ट टेंस में ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इसको आपको लर्न करना है। This is your today's homework and today's lesson is over. Thank you. I hope you liked and understand my video. See you again in the next video. Till then, bye bye.